सो आइए वेलकम करते हैं आज मेरे शो पे पहली दफा मैं उनको इंटरव्यू करूंगी और मजे की बात यह है कि आज उनकी वाइफ भी उनके साथ है. सो आइए वेलकम करते हैं आपके फेवरेट ताबिश हाशमी विद हिरा खालिद. अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक. आपके लिए और वसीम बादामी की तरफ से भी है तोहफा भाई. उन्होंने कहा कि आप उनके शो पे नहीं आए, मेरे शो पे आ रहे, तो डब्ल्यू बी बाय हमानी की तरफ से ये एक आपके लिए बास्केट है रमजान की और ये एक भाभी के लिए. थैंक यू सो मच. पर इतने तकल्लुफ की, अरे पहली दफा आए हैं. चलो चलें अब क्या नहीं. ये ही लाइन मैं यहाँ रख देती हूँ इधर तशरीफ रखिए. बहुत कैसी है हिरा? मैं बिल्कुल सफर ठीक रहा? बहुत अच्छा रहा. बहुत आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि लाहौर से ट्रैवल करके आप खास तौर पे आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया. और मतलब आप पहली दफा किसी को इंटरव्यू दे रही हैं और मैं खुश नसीब हूँ. जी जी. So, क्या हाल है मुझे बताएं, कैसा लग रहा है कराची? आप लोग तो कराची में ही पले बड़े हैं. हाँ बिल्कुल, हेरा बताएंगी पहले. कराची तो अपना शहर है ना, तो अच्छा ही लगता है. हेरा का यही है, मैका ससुराल फ्रेंड्स सबको सर कोई कराची. So, कराची की गलियों में खेले हैं आप लोग? गलियों में तो नहीं खेले, मेरे फादर आर्मी से है. अच्छा, तो हम लोग कैंटोनमेंट एरिया में रहते थे तो उस तरह हम लोगों ने खेला है, लेकिन अच्छा. गलियों में नहीं खेले लेकिन हाँ. खेले हैं. हाँ मतलब हाँ. जो मैंने खेला गलियों में. आपने खेला क्योंकि आपके जितने भी मैं इंटरव्यूज देख रही थी या जितने भी मैं आपकी बातें सुनती हूँ एज अ होस्ट, तो बड़ा एक इम्पैक्ट नजर आता है कि इनको गली गली कूचा कूचा पता है कराची. हाँ. हाँ. इनके तो क्योंकि वालिद फौज में थे, हम सिविलियन थे, तो हमारे पास गलियां ही थी खेलने, खेलते रहे उन्होंने.